बिलासपुर जोनल स्टेशन में शनिवार को नागपुर छोर की ओर का हाइड्रोन पाइप का नोजल खुल गया। इसके कारण पाइप के अंदर भरा पानी फब्बारे की तरह गिरने लगा। उसी समय कोरबा इतवारी शिवनाथ एक्सप्रेस से प्लेटफॉर्म से छूटने लगी। सभी कोच की खिड़की की तरफ बैठे यात्री भीग गए। कुछ यात्रियों के लगेज भी गीला हो गया। सर्दी में पाइप का ठंडा पानी पड़ते ही यात्री हिल गए। घटना प्लेटफॉर्म 2 की रेल लाइन की है। यह ट्रेन में पानी भरने के लिए हाइड्रेन पाइप बिछाया गया है। पहले यह ऊपर हुआ करता था, लेकिन बार बार क्षतिग्रस्त होने के कारण इसे नीचे कर दिया गया। पाइप नीचे होने के कारण पहले की तुलना में पानी का दबाव ज्यादा होता है। एक भी नोजल कमजोर हुआ तो वह टूट जाता है। शनिवार को भी ऐसा ही हुआ। प्लेटफॉर्म 1 पर दुर्ग भोपाल अमरकंटक एक्सप्रेस खड़ी थी और प्लेटफॉर्म 2 में शिवनाथ एक्सप्रेस। इसी बीच एक हिस्से में पाइप का नोजल उखड़ गया और दबाव के कारण पानी 15 से 20 फीट ऊपर तक फव्वारे की तरह जाने लगा। उसी समय ट्रेन प्लेटफॉर्म से छूटी। चूंकि ट्रेन का इंजन आगे था, इसलिए चालक को भी पाइप फूटने की जानकारी नहीं थी। फिर एक के बाद एक कोच में पानी घुसता रहा और यात्री भीगते रहे। ठंड की वजह से यात्री कांप गए, उनका लगेज भी गीला हो गया। जोनल स्टेशन में आधे घंटे तक इसी तरह का नजारा था। हाइड्रेन पाइप का पानी इस तरह बर्बाद होता रहा, लेकिन स्टेशन से संबंधित विभाग को इसकी जानकारी तक नहीं मिली। बाद में किसी ने बताया कि 2 आनन फानन में कर्मचारी मौके पर पहुंचे और जिस जगह पर नोजल उखड़ गए थे वहां लकड़ी का बड़ा टुकड़ा डालकर बंद किया गया, तब जाकर राहत मिली।